और वेलकम है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स फेसबुक पेआउट को कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स हम ध्रुव कुमार जी का फेसबुक पेआउट जोड़ेंगे। फ्रेंड्स आप लोग इसको भी चैनल के पेज पर जाकर सपोर्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद ये इंस्टाग्राम में भी हम इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका यूआरएल डाल देंगे, आप इसको भी सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स और हमको भी सपोर्ट करिए पूरा पूरा। फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स कि फेसबुक में पेआउट को कैसे जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप एक भी मत करिएगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप हम समझाते गए हैं। फ्रेंड्स तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर। जैसा कि देख सकते हैं हम अपने मोबाइल को स्क्रीन को ऑन कर चुके हैं। फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से मोबाइल के स्क्रीन को ऑन करके आप फेसबुक को जो है कि आप ऑन कर लीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं फेसबुक को ऑन, तो आप लोग यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे टैप करना है। उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा। मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे सी डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे नीचे चला आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे तो पेआउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे सभी देखने पे क्लिक करना है, यानी आप में होगा ऑल्सो। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पेआउट का ऑप्शन है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं पेआउट का ऑप्शन ये है। फ्रेंड्स पेआउट का ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक कर देना है जैसे कि हमने कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप फेसबुक स्टार से कमाई करने के लिए तैयार हैं। ये बंदा जो है कि फेसबुक से स्टार के लिए एलिजिबल है तो इसने सेटअप नहीं किया है। फ्रेंड्स सेटअप कहीं क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसको जो है कि पेआउट जोड़ने का मतलब आता नहीं था पेआउट जोड़ने के लिए, इसलिए हमारे पास आया बोला कि पेआउट को जोड़िए। इसलिए हम सोचे फ्रेंड्स कुछ ऑडियंस को भी दिखा दें और उसके बाद ये हमारे पास आया। इसका नाम है ध्रुव कुमार। तो फ्रेंड्स हमने सेटअप करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने देश में डालना, अपना कंट्री का नाम डाल देना है। यहाँ पे बिजनेस का प्रकार यहाँ पे इंडिविजुअल ही रहने देना है। फ्रेंड्स अदरवाइज कोई गलती मत करिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा। तो हमने यहाँ पे आगे बढ़ने पे टैप कर दिए हैं, तो अच्छा से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अपना जो है कि अच्छा से नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है ध्रुव, हमने डाल दिया यहाँ पे कुमार। एक गलती मत करना फ्रेंड्स, जैसे कि इसका नाम इसने अपने आईडी पे लिखा हुआ है ध्रुव कुमार राज, तो राज को नहीं लिखना है, अपने जो है कि पहले फर्स्ट नेम उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ दे दिया है फ्रेंड्स, तो डेट ऑफ बर्थ मेरा कितना है फ्रेंड्स, हमने ये सब जो है कि अभी जानकारी थोड़ा हाइड रखते हैं क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। आप लोग डाल दीजिएगा तो हम डालने के लिए रेडी हैं फ्रेंड्स, डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे सब चीज़ इसका जो है कि जानकारी डाल दिए हैं। हम आगे बढ़े पे टैप करेंगे, आप लोग आगे बढ़े पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा। यहाँ पे बोलता है आप बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद वायर में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद अपना पेपल अकाउंट से लिंक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है कि अच्छा से जानकारी पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र करें, इस पर टैप कर देना है आपको। उसके बाद बैंक की जानकारी डालने के लिए बोलेगा, तो अच्छा से बैंक का जानकारी डाल दीजिएगा। तो हम इसको हाइड कर देते हैं फ्रेंड्स, इसको कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने फिर से एक बार डाल दिया है फ्रेंड्स अकाउंट नंबर, अब यहाँ पे करेंगे इसको पेआउट से लिंक। तो फ्रेंड्स अब की बार देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। आप पिछली स्क्रीन पर भले पहले, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो है कि अब की बार पेआउट अकाउंट जो है कि एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रेंड्स अभी जो है कि अपना टैक्स जानकारी भरना पड़ेगा इसको, जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पतला सा लाइन में लिख रहा है, इस जानकारी की ज़रूरत टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होती है और इसे आपके हालिया टैक्स रिटर्न से मैच कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर टैक्स की जानकारी पर आपको कर देना है टैप, जैसे कि हम कर रहे हैं टैप। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम टैक्स की जानकारी में पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्रुव कुमार के जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुव के रूप में जारी रखें, तो हमने यहाँ पे लॉगिन कर देना है इसको। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है टैक्स संबंधित जानकारी, यहाँ पर उसके बाद है शुरू करें।
यहाँ पे भरना है आपको। यहाँ पे दो नंबर में है आपका टैक्स वर्गीकरण क्या है, आपको बिजनेस सिलेक्ट नहीं करना है, आपको व्यक्तिगत ही रहना है, जैसे कि आपके में होगा इंडिविजुअल तो यहाँ पे पर्सनल होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या आप अमेरिका के नागरिक, अमेरिका स्थायी निवासी, ग्रीन कार्ड धारक या अन्य अमेरिकी निवासी विदेशी हैं, यहाँ पे आपको रखना है नहीं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप एक मध्यस्थ एजेंट के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से फ्लो थ्रू संस्था के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ आपको लिखना है नहीं, नहीं पे टैप करना है। उसके बाद अगला पे टैप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आप किस कंट्री से रहते हैं, तो आपको जो है कि आपका अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया सिलेक्ट करूँगा, जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे जो है कि अपना टोटल जानकारी दे, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने जो है कि अपना इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अगला पे टैप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है आपका जो है कि यहाँ पे दिख आप अच्छा से। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं फ्रेंड्स, जहाँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहाँ सेवाएँ भौतिक रूप से निष्पादित की जाती है, मतलब हमने जो है कि इसको सब को हिंदी करके आपको समझा रहे हैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा वीडियो को ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। यहाँ पे जीरो सिलेक्ट कर देना है फ्रेंड, 0% अगला पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको हस्ताक्षर कर देना है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो फॉर्म खुल गया। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं ये एक फॉर्म खुल चुका है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म, इस पर टैप कर देना है, सबमिट कर देना है आप लोगों को। सबमिट करने के बाद जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा पेपर पूरा हो गया, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा फ्रेंड्स, अपनी टैक्स की जानकारी जोड़ने पे यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, आप लोगों को अच्छा से स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो है कि पेआउट जुड़ चुका है फ्रेंड्स एकदम इजीली तरीके से फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को फेसबुक पेआउट जोड़ने का जो है कि अच्छा से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।